हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरा चेहरा ऐसा देख रहे होंगे तो इसका रीज़न ये है कि मैं कल कारा किस लिए जा रही हूँ ट्रिप पे, ओनली 2 डेज़ के लिए। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी तो सोचा थोड़ा स्किन केयर कर लूँ कि मेरा चेहरा बहुत ग्लोई ग्लोई दिखे। तो ये मेरा बेटा है, तो ये मुझे पहचान ही रहा है कि ये इसकी मम्मा है। थोड़ी देर तो देखता ही रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं अपने फेस पे क्या लगाई हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन बाद ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे बेटे के टीथ आ रहे थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो आप तो जो भी वुमेंस हैं, जो माँ हैं, वो तो जानती ही होंगी कि जब बच्चे परेशान करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, ये मुझे कैसे देख रहा है कि आगे मतलब ब्लॉगिंग कैसे करें, उसको एडिट भी करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा अभी कुछ दिन के लिए ब्लॉगिंग को थोड़ा दूर हटा दूं कि मैं नहीं कर पाऊँगी। अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है तो मैं ये सोची कि आज थोड़ा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर दूं। नहीं पहचान रहा मेरा बेटू, नहीं पहचान रहा मम्मा को। मम्मा है तो मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं कल सुबह 9 बजे निकलने वाली हूँ। आपको मैं कल वीडियो पे ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे जा रही हूँ। मैंने पैकिंग में मैं वहाँ पे आपको सब दिखाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, क्या कर रही हूँ, ये आप देखिए। मैं आपको स्किन केयर की रूटीन नहीं बता पाई तो मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर लूं। आगे मैंने अभी फेस पैक लगाया है जो मुल्तानी मिट्टी का है, इसके पहले मैं स्क्रब कर चुकी हूं हनी एंड शुगर का। क्यों मैं अभी अपने हेयर वॉश करके फ्री हुई हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में देखिए कैसा पैक लगा लिया है। मेरा बेटा बोल रहा था कि बस मम्मी बहुत हो चुका है, अब मुझे ले लो। तो मैंने सोचा अब हो चुका है बहुत, मैं 1 महीने इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा भी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, वीडियो बनाऊं, पर मेरा मन ही नहीं करता था। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने नहीं सोचा कि मैं कुछ करूं, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं अपने मायके भी गई तो वहाँ पे मैं 10 दिन रही, पर वहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। वहाँ पे भी इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने सोचा वहाँ पे आपको सब चीज़ बताऊँगी कि मैं वहाँ से कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। मैं जो भी प्लानिंग करके गई थी वो सब फेल हो गई, मैं वहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं जा पाई। और ऐसा हुआ कि मुझे इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब मैं ब्लॉगिंग इसी पैक में नहीं करूँगी, मैं इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये पैक लगा के ही लगी है बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज रहे हैं 6, मैं 5 बजे उठ चुकी थी कि मुझे जल्दी से जो भी थोड़ा बहुत मेरी पैकिंग या कोई भी सामान मेरा बचा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी पैक कर लूँ, कुछ भी छूटे ना, मेरा छूट जाए बट मेरे बच्चे का ना छूटे, क्योंकि अगर उसका छूट जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो फिर क्या पता बच्चे का सामान मिलता है या नहीं। अपन तो आप हम कैसे भी एडजस्ट कर ही लेते हैं पर बच्चे के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। तो अब मैं कर रही हूँ अपने बालों में स्ट्रेट कि मेरे बाल थोड़े से शाइनी लगे, थोड़े से अच्छे लगें। मैंने अपना हेयर वॉश किया, मैंने कल भी किया था पर मैंने आज भी कर लिया कि थोड़े बाल स्मूथ हो जाएं। तो अब हम लोग थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं तो मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चे को रेडी करूँगी कि मैं पहले हो जाऊँ फिर मैं आराम से उसको करूँगी, वो अभी सो रहा है तो मैंने सोचा जल्दी से उसको ऐसे ही जल्दी से तैयार करके ले जाऊँगी। फिर मैं जब होटल में रुकूँगी तब उसका सब उसको नहलाऊँगी जिसमें उसको थोड़ा अच्छा फ्रेश फील हो।
तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। ये बता रहे हैं, मैंने अभी इनसे पूछा कि अपन कितने बजे चलेंगे, तो मुझे तो बहुत ही वो लगा कि पहले वे बोले थे 9 बजे चलेंगे, पर हम लोग 7 बजे निकलने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। तो मैं फटाक से जल्दी से सब कुछ कर रही हूँ, अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो चलिए, अब हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है सुबह सुबह फ्रेश एयर लेने का। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, ना कोई ट्रैफिक है, बस हम लोग चले जा रहे हैं। तो ये मैं हूँ, मैंने ब्लेजर पहले ही पहन चुका है, मैंने अपने बच्चे को भी पहना दिया कि ये मतलब उसको ज़्यादा ठंड ना लगे। आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत 1-2 महीने पहले का है, जब थोड़ा बहुत ठंड बची हुई थी। मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। तो अब हम लोग जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी फ्रेंड को भी ले लिया। ये हमारे जो ये हैं तिवारी जी, इनके साथ काम करते हैं। तो हम लोग ने सोचा थोड़ी कपल लोग जाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि फिर बोरिंग बोरिंग ट्रेवल हो जाएगा। तो ये भी आके बैठ चुकी हैं। इनका नाम पूजा है और ये इनके हस्बैंड अर्पित, इनकी भी अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है, तो ये इनकी फर्स्ट ट्रिप है चलने की। तो ये देखिए, अब तो जंगल ही जंगल आपको नज़र आएगा, कोई भी दुकानें नहीं दिखेंगी। तो हम लोग जा रहे हैं, जैसे ही पहुंचते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या होता है। फिर हम लोग थोड़ा रुके, फिर हम लोग ने सोचा कि समोसे वमोसे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हम लोगों ने गन्ने का रस पिया कि थोड़ा अच्छा ठंडा ठंडा लगे। इसको मैं बता रही थी अब पूजा को कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं ये ट्रेवल करके जो रुके हुए हैं लोग, वो यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा रेस्ट के लिए। बस हम लोग थोड़ी देर में 20 किलोमीटर और बचा है पहुँचने को। आप देख रहे हैं आपको चारों ओर थोड़ा बहुत जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ये आ गया लगेज के लिए सामान, हम लोग उतर चुके हैं। ये है हमारी होटल, इसका नाम है टाइगर रिसॉर्ट। हम लोग टाइगर रिसॉर्ट में रुके हुए थे, हम लोगों का लगेज उतर रहा है। अब हम लोग जाके थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, फिर हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है टाइगर रिसॉर्ट, बहुत ही बड़ा रिसॉर्ट और बहुत ही अच्छे एरिया में है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, खाने पीने का एरिया अलग था, ग्राउंड एरिया खेलने के लिए बच्चों का एरिया अलग था। आप देखिए कितना बड़ा रिसॉर्ट है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप जब भी खाना किस लिए जाएँ तो आप इस रिसॉर्ट में ज़रूर रुकें, यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। हम पर ये दिक्कत थी हम लोगों का, जो हम लोगों का रूम था वो थोड़ी आउट एरिया में, बहुत ही ज़्यादा कोने में था। ये देखिए अभी इसके आगे और है, बहुत ही आगे मिला हम लोगों को, पर ठीक है वहाँ शांति थी। ये है हम लोगों का रूम, ऊपर वाले एरिया में था, पर ये ब्यूटीफुल बहुत था। यहाँ पे पूरा वुडन काम किया गया है। ये मैं जा रही हूँ अपने अब रूम में, फिर मैं आपको अलग से रूम टूर ज़रूर दिखाऊंगी मेरा रूम कैसा है। ये मेरे हस्बैंड तिवारी जी खड़े हुए हैं, ये अपने फ्रेंड को दिखा रहे हैं आपका रूम, ये है मेरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, इसमें मैं आपको रूम टूर ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।